सब्सक्राइब कीजिए बीवी सर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस सबसे पहले आप देख पाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम साहिल, आप देख रहे हैं बीवी सर चैनल। गाइस में आपका फ़ायदा, जी हाँ गाइस में आपका फ़ायदा। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक योजना का ऐलान किया है जिसका नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना में अगर कोई स्टूडेंट 10th 12th कर चुका है, अब उसे हायर एजुकेशन के लिए पैसे यानी कि लोन चाहिए, तो वो इस योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। उसमें वो चाहे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि और तरह के जो कोर्सेज होते हैं वो सब वो कर सकता है। अब इसके लिए उसको अप्लाई कैसे करना होगा, अप्लाई करने का सिंपल तरीका जो है बिल्कुल, वो मैं आपको ऑनलाइन दिखाने वाला हूँ। यूज़र मैनुअल भी दिखाऊंगा, कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। तो आप देखिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम जो है घर बैठे ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, हाउ टू अप्लाई यहाँ पर लिखा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका PDF दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म जो होगा किस तरह का आपको दिखने वाला है। यहाँ पर लिखा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम बैंक फॉर्म, बैंक से कैसा फॉर्म जो है मिलता है हमें देखने को, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने ये ओपन कर दिया है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स दिखने वाली हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है और नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड, को एप्लीकेंट, ये सारी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपको परमानेंट और करंट एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, बर्थ सर्ट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है, एज डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर, जो जेंडर है वो डालना है, मैरिटल स्टेटस हो गया, और आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, डू यू बिलोंग टू द माइनॉरिटी, यहाँ पर येस या नो करना है। 10th और 12th की है यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। ऐसे ही आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आर यू डिसेबल, येस और नो। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द कोर्स, जो भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं उसकी आपको डिटेल्स यहाँ डालनी होगी। फिर नीचे की तरफ आएंगे लोन रिक्वेस्ट सेक्शन, यहाँ पर आपको जो है अपने कॉस्ट बतानी है कि कितना खर्चा आएगा उस कोर्स को करने में, बुक्स, स्टेशनरी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर की, जिसमें आपको पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट एप्लीकेंट के सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें और जो भी बैंक की डिटेल्स होंगी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताया गया है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है, जैसे कि मार्कशीट हो गया, कॉपीज ऑफ लेटर कन्फर्मिंग द स्कॉलरशिप फी, या डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ड्यूरिंग ऑफ कोर्स ऑफ कमेंसमेंट देयर ऑफ द वाइस एंड प्रोस्पेक्टस और सर्टिफिकेट, जो भी डिटेल्स होंगी आपको यहाँ पर देख के उसी के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे, जैसे प्रूफ ऑफ एडमिशन और स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द कोर्स, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है और वही डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेने हैं। ऑल्दो मैं वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में, डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर वगैरह करने हैं, ये सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। देखिए ये तो एक ऑफलाइन तरीका है जो कि आप पूरा फिल करके बैंक में जमा करा के इसका फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन तरीका बता रहा हूँ। इसको यहाँ से हम क्रॉस करके जाते हैं, यूज़र मैनुअल BSCC जो कि इसी स्कीम के लिए है, यहाँ पर हमने ओपन किया। देखिए अब ये इस तरह का फॉर्म आपको दिखने वाला है, गाइड फॉर द बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। नीचे की तरफ आएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पर जाना है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। फिर इसी तरीके से आपको जो है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा, इसको आपको पूरा फिल करना है, OTP आएगा, OTP भरना है, ये सब करने के बाद सबमिट करना है। फिर उसके बाद आपके सामने ये जो चीज़ सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपके पास फिर से आपको ID पासवर्ड जो बनेगा
यहाँ पर आपको अपना आईडी और पासवर्ड डाल देना होगा और ये जो कैप्चा है ये डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड चेंज करने के बाद अगर आपको पूरा जो एप्लीकेशन है वो भरनी है तो उसके लिए आपको इस तरह का पेज दिखने वाला है। अब एक एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि मैट्रिक 10th बोर्ड है, यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। हर पॉइंट के बारे में यहाँ बताया गया होगा, जैसे कि यहाँ पर बताया है कि बिहार स्कूल है, CBSE है, ISC है। उसके बाद जैसे कि 2 में लिखा होगा कि उसका रोल नंबर, जैसे यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि रोल नंबर क्या है। तो इस तरह से आप पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये सारे पॉइंट्स आप चेक करके पूरी डिटेल्स इस पूरे फॉर्म में इस तरीके से भर सकते हैं। पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से फॉर्म आपको भर देना है। जिस चीज़ पे भी आपको डाउट है, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि नंबर 4 पर बताया गया है, नंबर 5 पर बताया गया है, ऐसे ये देखिए पूरा फॉर्म आ जाएगा। इस तरह से आप पूरा फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर आपको जो सेकंड है ये सारी डिटेल्स का, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ईमेल आईडी, जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, जो मैंने आपको फॉर्म में भी बताया था, वो सब आपको पूरा फिल कर लेना है। बैंक की डिटेल्स आपको पूरी फिल कर लेनी है। सिस्टम ऑटो फिल, मोबाइल नंबर, ये सब वही चीज़ है जो आपको बता रहा हूँ। परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस वो डाल देना है। ऐसे ये सारा फॉर्म आपको भर लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको स्कीम सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पर आ गया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट स्कीमिंग, और इस तरीके से आप पूरा फिल करके यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए वही फॉर्म फिर से आ गया है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप यहाँ से पूरा यूज़र मैनुअल चेक कर सकते हैं। ये देखिए पूरा फॉर्म बताया गया आपको कैसे कैसे क्या क्या भरना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं आप यहाँ कर पाएंगे। तो ये पूरा फॉर्म ऐसे ही आपको भर लेना है। देखिए पूरा फॉर्म बताया गया है एक एक चीज़। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि आपको इनिशियली कैसे स्टार्ट करना होगा, शुरू से कहाँ जाना है। होम पर जाना है, यहाँ आपको न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ये देखिए ये वही फॉर्म है जो फर्स्ट टाइम आपको मैंने अभी दिखाया था। ये पूरा भरने के बाद OTP आएगा और सबमिट करना है, फिर इस स्कीम के लिए आप पूरा प्रॉपर अप्लाई कर पाएंगे। दैट्स इट, इतना ही इसका प्रोसीजर है। बाकी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानना है, कॉन्टैक्ट अस पर जाए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जहाँ पर भी आपको फ़ोन नंबर से आप बात करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा किसी भी योजना के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसका नाम लिख सकते हैं। साथ ही साथ डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स डाल रहा हूँ। साथ में बहुत सारे राज्यों की जो योजनाएं हैं मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर रखी हैं उसी राज्य के नाम से, तो आप वहाँ जाकर मोस्टली सभी स्टेट्स की योजनाओं का फ़ायदा भी ले पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।